हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये सेक्शंस 62 से 67 तक। इस पे स्टूडेंट्स 20 नंबर में भी और 4 नंबर में भी दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 62 इफेक्ट ऑफ नोवेशन। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, ये इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा कि नोवेशन, या कई बार सिर्फ यही लिखा जाता है कि नोवेशन। ठीक है, इसको बताइए। तो इफेक्ट ऑफ नोवेशन और रिसेशन, ठीक है, एंड अल्ट्रेशन। ठीक, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या इफेक्ट होगा ये नोवेशन का, रिसेशन का और अल्ट्रेशन का? ठीक है, तो इसमें मान लीजिए ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गई है, एग्री हो गई है किस बात के लिए? ठीक है, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें क्या हो जाए, तीन चीजें, ठीक है, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या इसको रिसाइन कर दें, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, या उसमें क्या कर दें, ऑल्टर कर दें। ठीक है, तो अगर ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो गई हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह सब्स्टिट्यूट है न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, उसको अब परफॉर्म, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, ये वाला जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल भी है कि ए बी से, ठीक है, इसने 10,000 रुपये का देनदार है, ओ ए बी को 10,000 रुपये का उसका देनदार है, और ए और बी में फिर दोबारा से एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, कि ए बी को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज रखेगा, ठीक है, 5,000 रुपये में, कि मॉर्गेज और इन प्लेस ऑफ इस डेट, इस डेट के बदले में वो 5,000 रुपये में अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बी के पास मॉर्गेज रख देगा। तो ठीक है, फिर अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
अगर पार्टीज एग्री हो जाएं पुराना कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट या न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिसाइन करने में, ऑल्टर करने में, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। ये पुराना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, ये नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि 5,000 रुपये में मॉर्गेज के बदले वो अब 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये का ये देनदार था, उसने 5,000 रुपये में अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी उसके पास में इस 10,000 रुपये के लिए। तो ये हो गया कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 63 हमने पहले भी ये किया हुआ है, ठीक है, मैंने बताया था ये एक्सेप्शन जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन था उसके एक्सेप्शन में ये 6 एक्सेप्शन मैंने लिखाए थे, उसमें एक सेक्शन 63 भी था, ठीक है। क्या कहता है ये कि जो प्रोमिजी है, ठीक है, एक प्रोमिजर होता है एक प्रोमिजी, प्रोमिजी क्या कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, डिस्पेंस विद और रेमिट कर सकता है, ठीक है, कैसे, होली और उसका पार्ट, ठीक है, इस चीज से परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस से, ठीक है, जो किससे किया गया है, मेड टू हिम, ठीक है, क्या कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, रेमिट कर सकता है उसको होली पूरा या उसका कोई पार्ट जो भी प्रॉमिस उससे किया गया है उसको, या क्या कर सकता है और मे एक्सटेंड द टाइम, मे एक्सटेंड द टाइम, टाइम बढ़ा सकता है और मे एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ इट, और इसके बदले में कुछ और चीज ले सकता है, जो भी वो सेटिस्फेक्शन, जो भी जिसको भी वो समझता हो कि ये ठीक है, ठीक समझो उसको। तो जो प्रोमिजी है, ठीक है, प्रोमिजर ये रहा, ये प्रोमिजी, हर एक प्रोमिजी क्या कर सकता है, जो उससे प्रोमिस किया गया है उसको डिस्पेंस कर सकता है, उसमें कोई रेमिट कर सकता है, कोई छूट दे सकता है, टाइम एक्सटेंड कर सकता है, उसकी जगह कुछ और एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ए बी, ये इसका 5,000 रुपये का देनदार है, उसको देने हैं 5,000 रुपये, बी, ठीक है, ये प्रोमिसर, ये प्रोमिसर, ये क्या कह सकता है इससे कि चलो एक काम करो, 2,000 रुपये दो और तुम्हारा सब माफ, ठीक है, सेटिस्फिकेशन ले सकता है कि 2,000 रुपये में कि चलो छोड़ो तुम्हारे 2,000 नहीं, 5,000 नहीं दिए जा रहे, 2,000 रुपये दो और सारा जो कर्जा है वो सब माफ, तो ऐसा प्रोमिजी कर सकता है, ठीक है, प्रोमिजी डिस्पेंस कर सकता है, रेमिट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है टाइम को और उसकी जगह कुछ और ले सकता है जिसको भी वो सेट थिंक फिट समझे, ठीक है। अच्छा, ये वन पर्सन, ये अदर पर्सन, ठीक है, ये काम है
ऑप्शन, जिसके ऑप्शन पर क्या है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। और ये क्या करता है, ये उसको रिसाइन कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है, रिसाइंस कर देता है। तो अगर इसने कोई बेनिफिट रिसीव किया है, ठीक है, तो ये उसको रिस्टोर करने के लिए बाउंड होगा, ठीक है। और ये अदर पार्टी इसको नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस, उसको कोई प्रॉमिस जो उससे जिसका वो प्रोमिसर है उसका उसको परफॉर्म करने की, ठीक है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए ये बी, ये कौन है, ये सिंगर है, ये मैनेजर है, ठीक है, ये सिंगर ये मैनेजर। अब इसने क्या काम किया, इसको सिंगर को रखा 2 मंथ के लिए और ये कहा ये वीक में 2 डेज गाना गाएगी। अब ये पहले सैटरडे संडे ये प्रेजेंट होती है, फिर दूसरे सैटरडे संडे, फिर पांचवे छठे में ये प्रेजेंट नहीं हो पाती, किसी भी वजह से ये नहीं हो पाती है प्रेजेंट, ठीक है। पहले हफ्ते में 2 दिन गाया, दूसरे में, तीसरे में 1 दिन गाकर अगले दिन वो प्रेजेंट नहीं हो पाती, वहाँ नहीं जा पाती है किसी भी वजह से। और मैनेजर ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसने क्या कहा था हमने, अगर इसने कोई बेनिफिट रिसीव करा है तो वो रिस्टोर करने के लिए बाउंड है। और इसने ये कहा था कि वो पर डे आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देगा, तो जितना भी उसने इसको ये 5 दिन के लिए गाया है ये उतना पैसा इसको वापस देने के लिए बाउंड होगा, ठीक है जी। 65 में आ जाओ, क्या कहता है, वैन दो बातें, ठीक है, एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, ठीक है, उसके वॉइड होने का पता चलता है, या अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो एनी पर्सन, जिसने भी कोई एडवांटेज रिसीव किया है, ठीक है, वो रिस्टोर या कंपनसेट करने के लिए बाउंड,
ठीक है, इस तरीके से। इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं, ए और बी, इन दोनों में ये एग्रीमेंट होता है। वो कहता है कि वो उस ए बी को 1000 रुपये देगा अगर ये बी इसकी एक ही डॉटर इसकी डी से, इसकी डॉटर से अगर शादी कर लेता है। और एग्रीमेंट के समय इसने इसको 1000 रुपये दिए कि भाई अगर आप मेरी डॉटर से शादी करोगे तो 1000 रुपये में देते, ये तैयार। अब एग्रीमेंट के समय इसकी डॉटर जो है इसकी डेथ हो जाती है, इन दोनों में से किसी को भी नहीं मालूम। तो इसने जो ये 1000 रुपये प्राप्त किए हैं ये इनको रीपे करने के लिए बाउंड होगा। ठीक है, 65। नाउ 66। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और रिवोकिंग, ठीक, रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसेशन करने का, उसको विखंडित करने का कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको रिवोक करने का कम्युनिकेशन क्या होगा? तो ये कहता है कि सेम होगा, वही जो कम्युनिकेशन और रिवोकेशन था ऑफ प्रपोजल, जो प्रपोजल के कम्युनिकेट करना या उसको रिवोक करने का मैनर था, वही मैनर जो है इनका भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट 67। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट, ठीक है, नेगलेक्ट का इफेक्ट क्या होगा? जो उपेक्षा जो वो कर रहा है, अगर ये प्रोमिजी, ठीक है, क्या कर रहा है? नेगलेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है किसको? प्रोमिजर को, ठीक है, किस चीज से? अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज, रीजनेबल फैसिलिटीज अफोर्ड कराने से प्रोमिजर इस प्रोमिजी को नेगलेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, रीजनेबल फैसिलिटीज अफोर्ड कराने से। तो जो प्रोमिजर है, प्रोमिजर क्या होगा? वो इज एक्सक्यूज, तो वो माफी योग्य होगा ऐसे नेगलेक्ट से या ऐसे रिफ्यूजल से। ठीक है, ए इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी को, बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि ये रिपेयर्स बीज हाउस, बीज के हाउस को रिपेयर करेगा। अब बी उसको जो रिपेयर वाले जगह हैं उनको पॉइंट आउट कराने से नेगलेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है,
और इसमें अगर बी ए बी के उन स्थानों पर रिपेयर नहीं कर पाया तो वो एक्सक्यूज्ड होगा अपने नॉन परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें 20 नंबर में भी या 4 नंबर दो तरीके से क्वेश्चन आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।